न्यूज हेल्पलाइन में। नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बदल दिया मंत्रालय में काम करने का समय, अब दो शिफ्ट में होगा काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को अपना कार्यभार संभालते ही मिनिस्टर ऑफिस में अधिकारियों और कर्मचारियों के काम करने का समय बदल दिया है। रेल मंत्री ने स्टाफ को दो शिफ्ट में काम करने का आदेश दिया है। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम 4 बजे खत्म होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे शुरू होगी और मध्य रात्रि में 12 बजे तक चलेगी। इसके अलावा 94 बैच के IAS अधिकारी अश्विनी वैष्णव ने रेल की कमाई बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। रेल मंत्रालय के ADG PRDJ नारायण के मुताबिक यह आदेश सिर्फ MR सेल मंत्री कार्यालय के मुताबिक जारी किया गया है, न कि प्राइवेट या रेल स्टाफ के लिए। नारायण ने कहा, रेल मंत्री ने निर्देश दिया है कि मंत्री कार्यालय के सभी कर्मचारी तत्काल प्रभाव से दो शिफ्ट सुबह 7 बजे से 4 बजे और दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक काम करेंगे। अश्विनी वैष्णव ने भारत के नए IT मंत्री और रेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। ओडिशा से राज्यसभा सदस्य अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक्स व IT और रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। उन्होंने संचार मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला है। वैष्णव ने दोनों मंत्रालयों में रविशंकर प्रसाद का स्थान लिया है। प्रसाद 2019 में संचार विभाग संभालने के अलावा 2016 से IT मंत्रालय संभाल रहे थे। 1994 बैच के एक पूर्व IAS अधिकारी वैष्णव ने पिछले 15 सालों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला है और विशेष रूप से PPP ढांचे में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनके पास वॉर्टन स्कूल पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में MBA की डिग्री और ITI कानपुर से MTech की डिग्री है। वैष्णव ने जनरल इलेक्ट्रिक और CMs जैसी प्रमुख वैश्विक कंपनियों में नेतृत्व की भूमिका निभाई। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।